व्यक्ति बालों को बचाने के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग कर लेते हैं जिन प्रयोगों से उनका कुछ भी नहीं होता है और वे अपने बालों को नहीं बचा पाते हैं। तो आज हम बालों की प्रॉब्लम को देखते हुए फोलियर टेबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। फोलियर टेबलेट क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह की और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। फोलियर एक ऐसी टैबलेट है जो बालों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है। इसमें बायोटिन एवं विटामिन्स होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और शरीर में किसी भी तरह की वीकनेस को दूर करते हैं। ये मेरे हाथ में फोलियर टैबलेट है, ये फोलियर का ब्रांड दिया गया है, ये बताया गया है इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। ये FSSAI से सर्टिफाइड, मतलब जो फूड से संबंधित जो प्रोडक्ट आते हैं वो FSSAI से प्रमाणित होना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब फूड्स सप्लीमेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रमाणित होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, ये कार्टून पैकिंग में आती है। चलिए इसकी कंपनी के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये एवोट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें होता है अमीनो एसिड, ये सभी कंटेंट अमीनो एसिड के दिए गए हैं। नेक्स्ट होता है इसमें विटामिन, इसमें होता है विटामिन सी, विटामिन B3, बायोटिन, विटामिन ई, कैल्शियम एवं फोलिक एसिड होता है। चलिए मिनरल्स के बारे में बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और मैनेंजेस, कॉपर, सेलेनियम होता है। चलिए इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ दिए गए हैं, इसमें सोया आइसोफ्लोवेंस होता है और ग्रेप्स सीड होता है इसमें। तो इस तरह से इस टैबलेट में ये कंटेंट है। चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और MRP की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिसंबर 2017 है और इसकी एक्सपायरी की बात करें तो बेस्ट बिफोर 18 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब जिस तारीख को ये बनी हुई है उसके 18 महीने के अंदर अंदर इसको यूज कर सकते हैं। मतलब दिसंबर 2017 में बनी हुई है तो जून 2019 तक इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर और देख लेते हैं इसके अंदर क्या पैकिंग है। ये येलो येलो पैकिंग में आती है, उसकी पैकिंग के ऊपर भी फोलियर, न्यू फोलियर टैबलेट लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी पैकिंग है, इसकी पैकिंग अच्छी है। और यदि आपको बालों से संबंधित, वीकनेस से संबंधित किसी भी तरह की कमजोरी महसूस हो रही है तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपके बाल झड़ रहे हैं, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको गंजापन की शिकायत है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के मुहांसे की प्रॉब्लम है चेहरे पर तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी तरह की वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको बायोटिन की कमी है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको विटामिन्स की कमी है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप इस तरह से इस टैबलेट का यूज कर सकती हैं। चलिए इस गोली के डोजेस के बारे में बात करें तो इस गोली को दिन में एक बार खाना खाने के बाद सादा पानी से इसका यूज करना है। लेकिन ध्यान रहे, दिन में एक बार, मतलब यदि आप रात में ले रहे हैं तो इस गोली को रात में ही लेना है और यदि आप दोपहर में ले रहे हैं तो दोपहर में ही इस गोली का यूज करना है। तो आप इस तरह से इस गोली का यूज कर सकते हैं। चलिए इस गोली के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्किन में रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या बालों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर वीकनेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस गोली का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस गोली को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।